हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम आपके साथ पोटैटो कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी होता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने आलू को बॉईल कर लिया है, फिर इसे हमने मैश कर लेंगे अच्छे से। फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप बारीक कटकी हुई प्याज, हरा धनिया, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और चिकन मसाला आधा चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम शेप दे देंगे कटलेट का। तो सारे कटलेट हम बना के रेडी कर लेंगे। हमने सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लिया है। अब हमने रेडी कर लेना है ब्रेड क्रम्स और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, पानी में अच्छे से उसको घोल कर बैटर रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर में, फिर उसमें हम ब्रेड क्रम लगा देंगे और लगाने के बाद फ्रेंड्स हम आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे सेटल होने को। आधे घंटे बाद हम जब तेल को गर्म कर लेंगे, जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसमें हम कटलेट को डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ का कटलेट कलर चेंज कर लेगा तो हम पलट कर दूसरी तरफ का भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, फ्लेम हाई होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर। अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये टूट भी सकता है, इसलिए फ्लेम बहुत ही हाई होना चाहिए, यानी तेल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।